कृष्ण पक्ष भाद्रपद के महीने की अष्टमी तिथि रात्रि का समय, आधी रात का समय भगवान माता देवकी के यहाँ पर सबसे पहले प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के माता देवकी वसुदेव से कहते हैं कि देखो तुम्हारे हथकड़ी बेड़ी खुल जाएंगे और मुझे इस छबड़ी में डाल करके कहाँ पहुंचाना है, मथुरा से गोकुल में पहुंचाना है। वहां माता यशोदा के वहां पर बच्ची हुई है, उसको कन्या को योग माया को लाना है और मुझे वहां पर सुलाना है। उसी समय आधी रात के समय सब योग माया ने अपने सब हाथ में लिया है, योग माया के अधीन सभी जो रक्षक थे, पहरेदार थे, सबको नींद आ गई है। आधी रात के समय हथकड़ियां बेड़ियां वसुदेव जी की, देवकी जी की खुल चुकी है। उस समय हथकड़ियां बेड़ियां खुली है और जेल के सभी दरवाजे खुल गए हैं। वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को सुला करके आधी रात को 12 बजे भगवान को लेकर के सिर पर रख करके, बारिश हो रही है जोरदार, कितनी सुंदर झांकी है। तमद्भूतम बालकैश्चतक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधम श्रीवत्सम लक्ष्म गोलसोस्तुभम पीताम्बरम साधशोभगम। भगवान देव की माता कहती है मेरा बड़ा सौभाग्य है आपका ये दर्शन देख करके मैं निर्विकार निर्वेश ब्रह्म आज मेरे घर आया, मेरे बड़े सौभाग्यशाली हूँ। रात्रि के समय रात को 12 बजे वसुदेव जी महाराज टोकरी के अंदर भगवान को सुलाया है और सुला करके मध्य रात्रि के अंदर धीरे धीरे निकले। दरवाजे सभी दरवाजे खुल गए, जेल के कारागार के दरवाजे खुल गए। निकलते आगे यमुना जी जो अपने पूरे उफान पर बह रही है और बारिश हो रही है, उस वर्षा के अंदर भगवान शेषनाग ने भगवान के ऊपर छत्र किया है। हो गए, अरे यशोदा के यहाँ देवकी के यहाँ पर 8वें पुत्र का जन्म हो गया है। रात को 12-1 बजे दौड़े दौड़े सब गए कि महाराज महाराज महाराज, कंस को वैसे नींद नहीं आती थी। उसी समय कंस उठा, क्या बोला, क्या हुआ, अरे महाराज देवकी के यहाँ 8वें पुत्र का जन्म हो गया है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, दरवाजे खुलाए, अंदर गया, अंदर जाकर के कहा हे देवकी ला इस 8वें पुत्र को मुझे दे। कहा भैया अरे ये पुत्र नहीं हुआ, ये तो पुत्री हो गई है। पुत्री हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है, विधि का विधान कैसे चल सकता है, आकाशवाणी असत्य कैसे हो सकती है। दूतों ने कहा महाराज हो सकता है इस पुत्री का कोई बेटा हो जाए और वो आपको मार दे, आप तो छोड़ो ही मत इसको। कंस ने उसी समय उस कन्या का पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ करके जैसे ही हाथ ऊपर किया, ऊपर उसी समय वो कन्या आकाश में चली गई छूट करके और अष्टभुजा देवी चामुंडा के रूप में वहां पर प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे माता की जय हो। बैल सवारी कर जगदम्बा शिव रूप बनायो भवानी, शिव रूप बनायो भवानी, शिव रूप बनायो। जटा मुकुट में गंगा सोवे, जटा मुकुट में गंगा सोवे, शेष साग लपटायो घुमरगाल नीवाने। मंदिरे रम जाए दोसत जोगने माधरे मंदिरे। यहाँ वसुदेव जी के लिए बड़े कष्ट की बात है कि एक ही कन्या बची थी, वो भी कंस के हाथ से छूट करके चली गई। इधर कंस ने रात्रिकालीन आपातकालीन सभा बुलाता है कंस, और कंस ने सबको बुलाकर कहा मेरा शत्रु जो है वो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, जन्म ले लिया है, वो बड़ा होकर मुझे मारे, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले उसको मार दें। उस बच्चे को मरना चाहिए जिसने कंस को मारने के लिए जन्म लिया है। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज हम उसको कहां कहां ढूंढेंगे, ऐसा करते हैं जिस जिसके भी अभी 1-15-20 दिन महीने 2 महीने जिसके बच्चा हुआ है उन सब बच्चों को मार डालते हैं। उस समय पूतना नाम की राक्षसी जो थी उसने कहा महाराज मैं भी चाहती हूं कि 1-2 बच्चों को मैं भी मार के आऊं जिसका ब्रजमंडल में अभी जन्म हुआ है। पूतना बोली मैं जाऊंगी ब्रजमंडल में, वहां जाकर के जो नंद बाबा के यहाँ बच्चा हुआ उसको मैं मारूंगी। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी घर के अंदर, पूतना का तुम्हारा रूप देख करके तुमको अंदर कोई घुसने नहीं देगा। पूतना बोली मैंने निश्चय किया है कि मैं दोनों स्तनों के ऊपर जहर लगा करके जाऊंगी और गोद में लेकर के उस नंद बाबा के लाला को जहर अपना स्तन दूध पिलाऊंगी और दूध पिलाते ही वो वहां पर मर जाएगा। जहां लोग कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं वहां पर पूतना
अपने स्तनों के ऊपर बहुत ही जहरीला जहर लगा करके आज भगवान को मारने के लिए तैयार हुई है। पूतना को कंस ने कहा, तुम्हें अंदर घुसने कौन देगा, तेरे रूप को देखकर कोई अंदर नहीं जाने देगा। कहा, महाराज मैं बहुत सुंदर स्वरूप बना करके अंदर जाऊंगी, जिससे वहां पर कई सारी गोपिकाएं जो है ना वहां पर आई हुई है, उत्सव मना रही है, उन गोपिकाओं के बीच में मैं भी चली जाऊंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। घूंघट निकाला है और घूंघट लगा करके आज सातवां दिन है भगवान कृष्ण को जन्म लेने का। सातवें दिन के जन्मोत्सव मनाते समय वहां पर अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी पूर्णिमा के दिन, सातवें दिन यहां पर पूतना ब्रजमंडल में पहुंचती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाम से नृत्य चल रहा है, आनंद पूर्वक उत्सव मनाया जा रहा है। कई लोग, सैकड़ों लोग नंद बाबा के यहाँ आते हैं, सैकड़ों लोग वापस जाते हैं और सब आनंद मग्न हो रहे हैं। गुलाल और फूलों की होली खेली जा रही है। उसी समय वो पूतना उस घर में प्रवेश करती है। एक बोली, अरे बहू बहन ये कौन आई है लंबी लंबी सी लंबा घूंघट डाल करके। किसी ने कहा, ये तो यशोदा मैया के कोई मिलने वाली सखी होगी, अरे इसके पीहर की कोई होगी। कोई कहता पीहर वाले सोच रहे ससुराल की होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर अंदर घुसती है, घूंघट लगा रखा है। जो ही पूतना भगवान कृष्ण के पास पहुंची है, उनको देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली है। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु सुखदेव जी महाराज, आप ये बताइए पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हो सकता है भगवान ने ग्लानी हुई हो कि 24 अवतार लिए हैं, इनमें दो अवतार राम अवतार और कृष्ण अवतार जो श्रेष्ठ है, और हर समय राम अवतार के समय भी मुझे ताड़का का वध करना पड़ा, स्त्री का वध करना पड़ा, और आज जब पहली बार मरने के लिए कौन आ गई है, यह भी एक स्त्री है जो मरने के लिए आ गई है। इसलिए कन्हैया सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं ग्लानी की हो गई है। दूसरे संत उनके भाव प्रकट करते हैं कि देखो ये पूतना आई तो राह तो राक्षसी, लेकिन ये क्या बन के आई है, ये माँ बन करके आई है। जैसे छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वैसे ही माँ बन करके आई है। भगवान सोच रहे इसको कौन सी गति देवें, क्योंकि जो गति माता यशोदा को मिलने वाली है वो गति इसको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये माँ के रूप में मारने के लिए आई है। कोई भक्त कल्पना करता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान सोच रहे हैं, अरे हम तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आए थे और कहाँ ये पूतना हमको जहर पिलाने के लिए आ गई है। ऐसा लगता है भगवान बाबा शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आप पधारो, जहर का पान आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। इस भ्रम में अनेक अलग प्रकार के कवि का भाव है कि भगवान का किस लिए अपने नेत्रों को बंद किया है। पूतना ने देखा, सभी लोग, नगर के लोग, ब्रजमंडल के लोग सभी वहां पर बार नृत्य में विलीन है, सो लाला को वहां अंदर गई और जाकर के तुरंत पूतना ने अपनी गोद में ले लिया है। कन्हैया को गोद में लेकर के पूतना स्तन पान कराने लगी है। सामुंच मुंचलमति प्रभासि निस्पीडय मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुर् प्रस्वित्र गात्राक्षिपति रुरोदः। भगवान कृष्ण को पूतना ने एक स्तन अपने भगवान ने एक स्तन अपने मुंह में लिया है और एक स्तन एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ा है, बड़े प्रेम से दूध पीने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित प्रभु स्तन पान कर रहे हैं और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है, घटक घटक करके दूध पी रहे हैं। पूतना ने सोचा एक घूंट पीने के बाद ये मर जाएगा, इसके मुंह से चला जाएगा, पलना में डालकर भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहां पर 5 मिनट होने को आए लेकिन भगवान के कुछ नहीं हुआ, दूध पी रहे हैं।
दूध पीने के साथ साथ भगवान ने उसके प्राण भी पीने शुरू किए हैं। जो ही प्राण पीने शुरू हुए हैं, प्राणों का आकर्षण हुआ है, प्राण निकलने लगे, पूतना को श्वास लेने में कठिनाई महसूस होने लगी, पूतना के प्राण निकलने लगे तो वह कहने लगी, अरे लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मैया हम तो जिसको पकड़ते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। पकड़ना आता है भगवान को, छोड़ना नहीं आता है। हम छोड़ते हैं भगवान को, भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं। भगवान कहते अब तो मैया ठिकाने लगा कर ही तुमको छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। पूतना के प्राण निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगा, श्वास की गति रुकने लगी, उसी समय पूतना अपने असली स्वरूप में आती है और लेकर के भगवान को आकाश में उड़ जाती है, आकाश मार्ग में अंदर और हवा के अंदर उड़ती उड़ती जाती है। उसी समय भगवान उसके पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचते हैं और जैसे ही प्राण खींचे और खींचने के बाद पूतना निश्चेष्ट हो जाती है, बड़ा शरीर उसका पूतना का और एकदम शरीर में धड़ाम से नीचे आकर के गिरती है। जो ही नीचे आके गिरी, एकदम ब्रजमंडल में आश्चर्य हुआ, अरे धमाका किसका हुआ, अरे आवाज किसकी हुई है, सभी लोग बाल बाल दौड़े, अरे ये तो बहुत बड़ी राक्षसी पूतना है और कन्हैया उसके ऊपर खेल रहे हैं छाती के ऊपर। यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, अपने पालने में देखा लल्ला नहीं है, अरे मेरा लल्ला चला कहाँ गया। सभी स्त्रियों ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, अरे यशोदा तेरे एक ही तो लाला हुआ है और तू इसका भी ध्यान नहीं रख पाती है, मेरी बेवकूफ है तू तो। इधर माताएं जो है ना बार बार यशोदा मैया को फटकार लगा रही है। उधर जा करके सब गोपिकाल बाल बाल जाते हैं और यश उस पूतना के स्तन स्तन चूसते हुए जो भगवान ने प्राण को खींचा है, भगवान उसकी छाती पर खेल रहे हैं, भगवान को लेकर के सभी गोपिकाएं वापस नंद बाबा के यहाँ आती है। अरे इसका शुद्धिकरण कराओ, अरे इसके नजर उतारो, राई लोण करो, ये पता नहीं किस राक्षसी के स्पर्श करके आया है, पता नहीं कैसे मर गई वो तो, लेकिन ये तो बच गया कम से कम। गाय के चरणों की धूल लगाई है कन्हैया को, गाय के जो पूंछ होती है पूंछ घुमाई है कन्हैया के ऊपर, झाड़ा दिया है पूंछ का कन्हैया के। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वत श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा करे और उसकी पुंछ को घुमा रहे हैं भगवान के ऊपर। क्रीडंत पातु गोविंद सैनम पातु माधव, भगवान सब प्रकार से इस कन्हैया इस लाला की रक्षा करे। भगवान हंस रहे मन में मन में, मेरे नाम का झाड़ा मेरे ही लगा रही है माताएं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकई राम नाम गुण गाई। भगवान से बड़ा क्या है, भगवान का नाम है। यशोदा मैया के प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है, गोपियों के भाव का। पूतना के शरीर को पकड़कर ब्रजवासी यमुना के किनारे लाते हैं, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखकर अग्नि जलाते हैं, उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकलती है, क्योंकि उसकी जो उसका जो तेजोमय स्वरूप था, उसकी जो तेज था, वो निकल करके भगवान में समाहित हो जाता है। इसलिए जलाते समय पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली है, उसके शरीर से सुगंध निकली है। सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, परमात्मा श्री राम कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने से भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है, तो विचार करो कि जिसने अपनी गोद में लेकर के भगवान को खिलाया है, स्तनपान कराया है, क्या वो राक्षसी फिर हो सकती है? नहीं नहीं, वो राक्षसी नहीं, वो तो उसको तो भगवान ने परम गति प्राप्त कर दी है। ले भे गता, जो गति यशोदा मैया को प्राप्त होने वाली थी वही गति भगवान ने सबसे पहले किसको दे दी है, पूतना को वही गति प्राप्त हुई जो माता यशोदा को मिलने वाली है। इतने बड़े दयालु परमात्मा को हम छोड़ करके कहां भटक रहे हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिघांसया हरये स्तनम दत्वापसदितमः। पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, भोजन बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं और भावना बढ़िया नहीं, उसके बाद भी भगवान ने उसको वह गति प्रदान की है।
मारने के लिए आई है, रूप रंग भी नहीं है, भगवान का भजन भी नहीं करती है, लेकिन जो शत्रु भाव से भी अगर भगवान को बचता ना तो भगवान उसका भी बेड़ा पार कर देते हैं। दुर्गुणों को दुर्द की बुला दिया और माता को माता की मात्र गति प्रदान की भगवान ने। जैसे ही समाचार पहुंचा कंस के पास कि जो पूतना ब्रजमंडल में यशोदा के वहां पर नंद बाबा के वहां पर पुत्र को मारने गई थी वो स्वयं वहां पर मारी गई है, उस समय शकटासुर नाम का राक्षस को भेजते हैं कंस और शकटासुर को भगवान उद्धार करते हैं। छकड़े के रूप में भगवान को मारने के लिए वो शकटासुर तैयार होता, उस समय भगवान अपने पैर से मारते हैं और लात मारने के द्वारा वो शकटासुर वहीं पर नष्ट हो जाता।